हमारी दुनिया में कितना कुछ है जो अद्भुत है। इंसानी शरीर से लेकर दूसरी दुनिया तक की अकल्पनीय कहानियां सुनाई हैं। लेकिन आज जिस अविश्वसनीय दुनिया में हम आपको ले जाने वाले हैं वो इंसान की ही बनाई हुई दुनिया है, दुनिया मशीनों की। एक ऐसी दुनिया जहां पर मशीन सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मशीन अब हूबहू इंसान से दिखने लगे। हम इस वक्त एक ऐसे इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर में आए हैं जहां रोबोट बनाए जाते हैं और उन पर शोध भी किया जाता है। केमिकल उसके अंदर रिएक्शन होता है। 23 साल के दिवाकर वैश रोबोटिक्स पर काम करते हैं और देश भर के 9 IIT में गेस्ट लेक्चर भी देते हैं। रोबोट वर्ल्ड की बात करें तो ये बेसिकली एक चेक रिपब्लिक में प्ले एक राइटर ने लिखा था जिसमें सबसे पहली बार रोबोट वर्ल्ड का इस्तेमाल हुआ। 1920s की हम बात कर रहे हैं करीब करीब, और उस टाइम रोबोट नाम की कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हुआ करती थी। बट फ्रॉम साइंस फिक्शन ये सारी चीज़ें रियलिटी में आते गई, लोगों के जो रिसर्च है उसके ऊपर रोबोट पे काम कर, और स्लोली एंड स्टेडली ये एक मशीन एरा का पार्ट बने। भारत में रोबोटिक्स पर जो काम चल रहा है वो दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले तो नहीं ठहरता, लेकिन दिवाकर की कोशिश अद्भुत है। वो एक ऐसी तकनीक की तरक्की में जुटे हैं जो अत्याधुनिक होने के साथ साथ सस्ती भी है। यही वजह है कि उनका ये रोबोट मानव किसी धातु से नहीं बना बल्कि एक प्रिंटआउट है। ये मानव है, एक ह्यूमनॉइड जिसे हम कहते हैं, यानी कि इंसान की तरह ही दिखने वाला, दो हाथ दो पांव और कमोवेश वैसा ही शरीर। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। एक वक्त था जब एक रोबोट को जब इंसान की तरह पहला कदम चलाने की कोशिश की गई तो करीब करीब 10 साल इसमें लग गए थे। अब मानव को ही ले लीजिए, इससे कुछ भी करने के लिए कहेंगे, मसलन ये कि वो अपनी गर्दन घुमाए या फिर अपने हाथों को उठाए या फिर वो चले, उसके लिए ये मुश्किल नहीं क्योंकि अब इतनी तरक्की हो चुकी है। ये डांस भी कर सकता है, ये हमारे इशारों पर चल सकता है। एक क्रिकेट अंपायर की तरह यहां पर एक आउट देने की कोशिश इसने की है। एक खुशनुमा रोबोट है मानव, जो कि मेरी बातें सुन सकता है, मुझे देख सकता है और हम चाहें तो ये हमारी बातों को महसूस भी कर सकता है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी अद्भुत प्रणाली है जहां किसी भी चीज को स्कैन करके उसका प्रिंट निकाला जा सकता है। यानी अगर मैं चाहती हूं कि मेरे जैसा एक रोबोट हो तो उसकी शुरुआत ऐसे ही मेरा स्कैन लेकर होगी। पुर्जे बनेंगे, प्रोग्राम डलेगा और मेरा अपना एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। फिलहाल तो वक्त और खर्च को देखते हुए मुझे इस छोटे से पुतले से ही संतुष्ट रहना होगा। आश्चर्य की बात ये कि मेरा प्रिंट आउट निकलने में वक्त लगा केवल आधा घंटा। दिवाकर इसी तकनीक का इस्तेमाल अब प्रोस्थेटिक लिम्स यानी हाथ या पांव कट जाने की सूरत में लगने वाले नकली अंग के लिए कर रहे हैं। रिसर्च आज भी हम बहुत ही गहरे तरीके से रोबोटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, आज हमने वर्ल्ड का सबसे पहला ब्रेन क्लोनिंग रोबोट बनाया है, मानव बनाया, कि जो कि दुनिया का वन ऑफ द चीपेस्ट रोबोट्स है। हमने अभी वर्ल्ड का पहला प्रोडक्शन माइंड कंट्रोल व्हीलचेयर बनाया। तो हमारा रोल बहुत ही ह्यूज स्कोप है और हम काफ़ी ज़्यादा हम इसके ऊपर डिवोट कर रहे हैं अपना टैलेंट। दिवाकर का रोबोट मानव ढांचे में इंसान जैसा है, यानी एक ह्यूमनॉइड, लेकिन उसकी शक्लो सूरत को इंसान जैसा बनाने पर ज्यादा खर्च नहीं किया गया। ये अहम भी नहीं है, हम केवल ये जानना चाहते थे कि दिखने के अलावा रोबोट मानव कितना मानव जैसा है। ओके मानव, ये जानने के लिए दिवाकर ने एक सेब और अंगूर से एक्सपेरिमेंट किया। दिवाकर ने जब सेब खाया तो उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लगा कि स्वाद उनको पसंद आया, पर अंगूर खट्टा निकला और ये भाव भी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखा। अब देखिए कि जब रोबोट मानव को सेब दिखाया गया तो उसने क्या किया, यानी मानव ने सेब को लपकना चाहा पर अंगूर को नकार दिया। You know, have you seen this somewhere? Have you seen it?
मानव की आंखों में कैमरे लगे हैं, कानों में स्पीकर। कैमरे देखने के लिए हैं, पहचानने के लिए हैं। स्पीकर रिकॉर्ड करके सुनने के लिए। अगर हम ये भी समझें कि कैमरों के जरिए मानव ने दिवाकर के हाव-भाव की नकल की है, तो ये भी जान लीजिए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अद्भुत है। पसंद नापसंद जैसे भाव केवल जिंदा जंतुओं में हो सकते हैं, लेकिन क्या एक मशीन इन इमोशंस को समझ सकती है? क्या रोबोट मानव दिवाकर के दिमाग की तरंगे समझ रहा था? आखिर एक मशीन को कैसे एहसास हो रहा है कि कौन सा फल अच्छा है और किसका स्वाद खराब? और अगर वाकई एक मशीन इंसानी भावनाओं को समझने लगी, अगर वाकई उन भावनाओं को दर्शाने लगी है, तो फिर इंसान से उसका फासला कितना बचा है? ये जो छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, दरअसल हमारे आपके साथी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जिस तरह की रिसर्च चल रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि घर पर हमारे साथ रहें। अब आप इनका नाम रख सकते हैं। मैंने फैसला किया क्योंकि ये रोबोट, हमें बताया जाता है, फुटबॉल खेल सकता है, तो मैंने इसका नाम रखा है मेसी। और जिस तरह से ये पहले से सेलिब्रेट कर रहा है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा मुकाबला इसके साथ करूंगी। दरअसल ये मेरी बातें सुन सकता है, समझ सकता है। तो किसी मुकाबले के लिए हम तैयार हैं? पहले से विक्ट्री का साइन है। हम देखते हैं कि क्या एक इंसान की तरह ये मेसी भी हमारे जैसे पुशअप्स कर सकता है। पहले से तैयारी, चलिए। ओके, पुशअप्स तो कर लिए मेसी ने, लेकिन अब पुशअप्स के आगे कुछ हो सकता है? पुशअप्स के आगे कोई ऐसी ट्रिक है जो आप कर सकते हैं और मैं भी करूंगी उसे फिर, ठीक है? शीर्षासन, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मेसी, बस इतना ही है, इतना ही है बस, इसके आगे नहीं। थैंक यू। आजकल के रोबोट से भगवान बचाए, लेकिन देखिए कुछ इस तरह का निर्माण कर रहा है इंसान। इंसान खुद खुदा बनता जा रहा है। दरअसल आविष्कार की होड़ इंसान को कहां लेकर जाएगी, इस पर भी बहस शुरू हुई। इस तरह के आविष्कार की आवश्यकता पर भी सवाल है, लेकिन आशंकित खतरे बड़े हैं या वो जरूरतें जिनके लिए मशीन मानव को दुरुस्त किया जा रहा है? कैसे हमारी सरहदों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं ये अद्भुत रोबोट, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये एक ड्रोन है, सब वाकिफ है इससे, बहुत आम हो चला है, लेकिन जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में सुरक्षा पर इतना बड़ा सवाल बना कि इन पर पाबंदी ही लगा दी गई। रोबोटिक्स का ये हिस्सा है, सेनाएं इस्तेमाल करती रही हैं, और आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल सेनाएं करने वाली हैं इस पूरी दुनिया की, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रोबोटिक्स के ये हथियार जो हैं वो बिल्कुल अद्भुत है। इसे सिर्फ सोचा ही जा सकता है कि आने वाले दिनों में कैसा होगा जंग का मैदान। देशों के हित टकराएंगे, गोलियां चलेंगी, बम फटेंगे, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। किसी सैनिक की जान नहीं जाएगी, लेकिन फैसले होंगे। और अब ये अविश्वसनीय कल्पना हकीकत में बदल चुकी है। मशीन मानवों की यह तस्वीर सिर्फ अमेरिका, रूस, जर्मनी, इजराइल या चीन की ही नहीं है। हिंदुस्तान ने भी इस तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा चुका है कि पारंपरिक लड़ाइयों का दौर बीत चुका है और अब जंग में विजय पताका उसी की शान से फहरेगी जो तकनीक के क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है। आज सुरक्षा के फील्ड में अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज, इसराइल, अमेरिका, चाइना, ये सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे रोबोट्स पे जो कि लोगों की जान बचा सके, जो कि फ्रंट लाइन पे जाके बैटल कर सके।
तो इसके अंदर दो अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सेमी ऑटोनोमस की और फुली ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ की। सेमी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़ वो होती हैं जो कि कुछ हद तक हेल्प करती हैं, और फुली ऑटोनोमस जो कि पूरी तरह से खुद डिसीजन लेने के लिए अपना कैपेबल होती हैं। यूएस आर्मी में सिर्फ चीता ही नहीं, तितली है, मक्खी है, कुत्ते हैं जो जंग के मैदान में सबसे अच्छे साथी साबित होते हैं। ये नाम सुनने में अद्भुत जरूर लग रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरह इनको डिजाइन किया गया है और जो इनका काम है उसके मुताबिक ही इन्हें नाम दिया गया है। ये रोबोट्स जासूसी से लेकर हमला तक करने में सक्षम होते हैं। तो क्या वाकई एक दिन वो आएगा जब युद्ध के मैदान में मशीनी सैनिक लड़ेंगे और फैसले राष्ट्रों के होंगे? कम से कम रक्षा विशेषज्ञों का तो यही मानना है। ये सीन फिल्मी जरूर है, लेकिन ये हकीकत से दूर नहीं। अमेरिका ने बढ़ते आतंकवादी खतरों के मद्देनजर अपने सैनिकों के लिए एक ऐसी ड्रेस का निर्माण कराया है जिसके बाद वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय ताकतों से लैस हो जाएंगे। ये ड्रेस इतनी हाईटेक है जिसे पहनकर यूएस सैनिक किसी रोबोट की तरह शक्तिशाली हो जाएंगे। उनके हाथों में वो सारी आधुनिक तकनीक होगी जो दुश्मन के होश उड़ा देगी, क्योंकि इस रोबोट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सैनिक के शरीर की हलचल को महसूस करके उसकी शक्ति को 20 गुना अधिक कर देती है। इस एक ड्रेस की कीमत करीब $2.9 मिलियन है, यानी 19 करोड़ रुपए। तो क्या वाकई इंसान अपना खुदा खुद बनता जा रहा है? क्या होगा जब मशीन मानव इंसानों की सोच पर हावी होने लगेंगे? क्या ये एक सनक है या वक्त की जरूरत? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। I'm the best. मेडिकल साइंस में रोबो तकनीक अद्भुत बदलाव लेकर आया है। इस व्हीलचेयर को देखिए, ये भी एक रोबोट ही है, क्योंकि ये केवल दिमागी तरंगों को पढ़कर उस सोच के हिसाब से चलती है, मुड़ती है, रुकती है। ये उन लोगों के लिए जीवन का वरदान है जो किसी हादसे की वजह से अपने हाथ पैर और गर्दन तक हिलाने से मुहताज है। डिवाइस अपने सिर पर पहनना है, हाँ। और ये ऑटोमेटिकली पता लगा लेगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ। हर आदमी के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये अलग अलग इसके ऊपर इंडिकेशंस हैं, और इंडिकेशंस के हिसाब से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सीधे जाने पर अभी ये है, हाँ। आप इसको कहीं भी किसी भी एंगल पे आप करना चाहें, हाँ। आपको केवल डबल ब्लिंक करना है और ये हम इसे चेंज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन, और आप केवल सोचेंगे और सोच के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। माइंड कंट्रोल जो व्हीलचेयर बनाया कि हम माइंड से जो सोच रहे हैं उनकी जो वेव्स निकल रही हैं उनको सिंक्रोनाइज मशीन के साथ कैसे करें ताकि वो प्रॉपर रिजल्ट आउटपुट दे सके। यानी जो तकनीक हमारी दुनिया बदल रही हो वो हमारे विरुद्ध कैसे हो सकती है? ये सच है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इससे मानव जीवन के अस्तित्व पर मंडराने वाले अकल्पनीय खतरे को लेकर आशंकित है। Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Mm-hmm.
इतना तो तय है कि मशीन मानव यानी रोबोट्स सेंसर्स की मदद से एक हद तक इंसान की तरह सोच तो सकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि इंसानी दिमाग पहले से सेट प्रोग्राम्स के मुताबिक नहीं चलता। और अगर कोई इंसानी दिमाग बनाना भी चाहे जो रोबोट्स में फिट होकर उन्हें इंसान बना दे, तो इसमें सदियां बीत जाएंगी। और इतना तो सब कबूल करते हैं कि इंसान जैसा सेंस बनाना भले ही संभव हो, ऊपर वाले का दिया कॉमन सेंस केवल इंसान के मस्तिष्क में हो सकता है। इंसानी दिमाग से अद्भुत संरचना दुनिया में कोई नहीं, शायद उतना ही अद्भुत है इंसान का ये आविष्कार। पर अगर उस अकल्पनीय से बचना है तो जरूरत की हदों में रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आविष्कार तब तक लाभदायक रहता है जब तक वो उसे बनाने वाले इंसान पर हावी न होने लगे। है ना ये इंसान की बनाई हुई एक अविश्वसनीय दुनिया, और ये तो बस शुरुआत है। यहां पर रोज कुछ न कुछ नया होता है, कुछ न कुछ और अविश्वसनीय होता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।